लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बच्चों कभी कभी ऐसे दिल चढ़ाने वाली बातें कर देते हो तुम लोग। अरे बाबा तो आपने भी तो ऐसी बात की है कि धुआं उठ रहा है। हाँ तो दिल जलेगा तो धुआं तो उठेगा ना। लेकिन सीमा बेगम आपको हमारे बाबा जानी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें भी मेरे बाबा को तब बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। इसका मतलब है कि आप हमसे बाप बाप खेल रही है। हाँ, खून का बदला खून तो बाप का बदला बाप। बाबा ये पाप है। बच्चू भाई एक बात कहूँ तो आप मना तो नहीं करेंगे? नहीं करो बाबा, मना कर देगा। मुझे पता था आप मना नहीं करेंगे। अरे बाबा मना कर दिया है, क्या नो एंट्री का बोर्ड लगाऊं? बहरहाल मुझे क्या, खाने पीने की बात थी, बिलावजह मना कर दिया आपने। अच्छा बाबा इतनी जरूरी बात है तो करो, क्या बात? असल में मैं एक बात सोच रहा था, मैं जब भी ना बिरयानी को देखता हूँ मेरे मुंह में पानी आ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पानी को देखूं और मेरे मुंह में बिरयानी आ जाए? एक बात है, इंसान की जिंदगी में बिरयानी बहुत ही जरूरी है, बल्कि मौत के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अरे सीमा बेगम इस बात को जरा वाज़ेह करो। अरे भाई अब खुद सोचो ना, जब इंसान पैदा होता है तो बिरयानी है, उसकी सालगिरह होती है तो बिरयानी, जैसे ही मैट्रिक पास करता है तो बिरयानी, शादी होती है तो बिरयानी, बेचारा जैसे ही मरता है तो जनाजे पे भी बिरयानी। हां बाबा बात तो 100% तुम्हारी ठीक है, शाबाश जानी खिला बिरयानी। मैं कहां से बिरयानी खिलाऊं, सुबह से खाली पेट घूम रहा हूं, घर में राशन ही नहीं है। एक बात बताएं, राशन क्यों डलाते आप? बाबा घर में राशन नहीं है। आपकी मिसाल भी ना उन औरतों जैसी है, 10,000 का सूट खरीद लेगी, पीको वाला 100 रुपए मांग लेना, जिंदगी बर्बाद कर देती है। अरे बाबा कारोबार तुम्हारे हाथ में है तो राशन भी तुम ही डलवाओ ना। अच्छा एक काम करते हैं, आज जरीना से कहते हैं वो आज हमें बिरयानी खिलाए। वाह भाई जानी तुमने भी ऐसी मिसाल दी कि बगैर पंखड़ियों के हेलीकॉप्टर उड़ा लो। है भाई बच्चों ये पंखड़ियां क्या होती है? बाबा हम तुम्हें बताते हैं, पंखड़ियां तुम्हें लग गई ना तुम भी उड़ेगा फिरकी की तरह, चलो जाओ यहां से, बिरयानी का इंतजाम करो। पंखड़ी बेगम हम क्या बात कर रहे थे अब्बा की बताओ। क्या बोला जरीना? अरे पापा क्या है, अब तुम भी मुझ पे गुस्सा करोगी, देख नहीं रही आजकल मैं कितना उदास चल रहा हूँ? क्यों बला क्या हो गया है? ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर। अरे बाबा मेरी नजर में जिंदगी के लिए सब्जी सबसे बेहतर है। एक बात बताओ क्या मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है? बाबा घर में तो तुम्हारी बहुत इज्जत है, लेकिन बाहर का मुझको कुछ पता नहीं। पता है बाहर मेरी बहुत ज्यादा इज्जत है, कोई दुकानदार मुझसे पैसे नहीं लेता। क्यों बला? क्योंकि मेरे पास पैसे होते ही नहीं है और मैं तो सलाम का जवाब भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि मुझे कोई सलाम करता ही नहीं है, और तो और कोई तो मेरे पास खड़ा ही नहीं होता। क्यों? पता नहीं, कहते हैं तुम पे से बास आ रही है। ये बला कैसी इज्जत है? आजकल के दौर में यही इज्जत है, अपने ही गिराते हैं नशमन पे बिजली। आखिर बला बात क्या है? क्या बताओ, दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझे भूख नहीं। अच्छा तो तुमको भूख लगी है, बाबा कुछ खा लो। रहने दो, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अरे बाबा कैसे जीने में, क्या हो गया है? बस ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। किसने तुम्हारा मजाक उड़ाया जानी मुझे बताओ। एक फरमाइश थी कि भूख लग रही है बिरयानी खिला दो, लेकिन कहाँ? अरे बाबा मैं हूँ ना, मैं खिला दूंगी। तुम खिलाओगी? और नहीं तो क्या। अच्छा भला ये बताओ कि आज दिन क्या है? जुमेरात है। बस तो ऐसा करो कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे जल्दी से निकल जाओ, ऐसा ना देख खत्म हो जाए, फिर नहीं मुझे कहना। अरे बाबा आप कौन है? अरे खुशियाँ बांटे मिठाइयाँ बांटे। क्यों बाबा क्यों बांटे खुशियाँ, तुम्हारे सर पे गंद मुकने लगी है क्या? जी। अरे बाबा क्यों बांटे मिठाइयाँ, क्या आपको देखकर पेशावर में ईद हो गई है? जी नहीं। क्यों बांटे मिठाइयाँ भाई, आपके सर पे क्या ओलंपिक्स की आग जलने वाली है? क्या हो गया भाई? अरे बाबा आप हो कौन? शायद आपको मालूम नहीं कि आपकी मुलाकात आज किससे हो गई है। किससे बाबा? नाई से। अच्छा आप नाई हो? अरे बाबा क्या सारे उस तरह अपने ही सर पे मेर लिए क्या? अरे
बड़े तैयार होकर आए हैं हम। माशाल्लाह, वैसे लगता है वली में से आ रहे हो बाबा। नहीं नहीं नहीं, हम तो सीधे अपनी दुकान से आ रहे हैं। अरे बाबा, आपकी दुकान वो क्या नाम है, पारक टावर में है क्या? अरे जाहिल, पारक टावर नहीं होता, पाक टावर होता है, वहाँ है। अरे बाबा नहीं, तुम यहाँ क्यों आया है फिर? अरे जानी भाई ने बुलाया था, उन्होंने अपनी सेटिंग करवानी थी। अरे बाबा, सेटिंग तो मैंने भी करवानी है। बिल्कुल हो जाएगी सेटिंग, बोले क्या करना है? हाँ बाबा, वो हमारे ड्राइंग रूम में सोफा रखा है, उसकी सेटिंग करनी है, पर्दा है उसकी सेटिंग करनी है, हमारे ये गार्डन की ना बाबा घास की सेटिंग करनी है, और ऊपर पानी जो है टंकी से वो आ रहा है गंदा, उसमें फिटकरी भी घुमा देना। अरे ये किस किस्म की सेटिंग करवा रहे हैं मुझसे? बाबा आप ने तो कहा कि आप सेटिंग करते हो, कर दो। अरे मैं बालों की सेटिंग करता हूँ यार। अच्छा बाबा, यूँ कहो ना कि आप बालों वाला नहीं है, सेटिंग करते हो बालों की। जाओ जाके जानी को जल्दी से बुलाओ। अरे बाबा जाओ, जानी को खुद ही फोन कर लो। अरे बात तो सुने। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के गाने वालों को, ना सुर का पता ना ताल का पता, आ गए सिंगर बनने। तुम्हें बला क्या है, कोई मुर्गा बने या सिंगर बने, तुम्हें क्या तकलीफ है? है, क्योंकि मैं भी अब सिंगर बनूंगी, मुझे गाना सीखना है। जानी मेरे लिए उस्ताद का इंतजाम करो। ओहो, उस्तादों की क्या जरूरत है, सीडीज ले आए और सुन सुन के सीखती रहे। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुन सुन के नहीं सीखना, मैंने उस्ताद को देख कर सीखना है। अरे बाबा, देख के गाना नहीं सीखते, देख कर तो इंजन खोलते हैं। मैं मुझे नहीं पता ना, मैं इंतजाम करो किसी भी उस्ताद का मेरे लिए। अरे बाबा, किस बात पे बहस चल रही है? अरे बाबा, तुम्हारी बेगम को जो ना गाना गाने का शौक चढ़ा हुआ है, कहती है कि मैं गाना सीखूंगी। अरे बाबा, आप तो वैसे ही इतने सुर लगाते रहते हो, गाना सीख कर क्या करोगी, क्यों गाना है गाना? वो जो टीवी पे नहीं आते स्टूडियो, वो जो प्रोग्राम होते हैं गाने गाने वाले, मैंने ना वहाँ पे गाना गाना है। उस स्टूडियो में ना सीखे हुए नहीं आते, बल्कि किसी बात पर सीखे हुए आते हैं। भाई मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया ना मुझे गाना सीखना है, तो मेरे लिए उस्ताद का इंतजाम करो, मुझे नहीं पता। अरे सीमा क्या? अरे बाबा, इसको गाना गाने का कैसे शौक पैदा हो गया? अरे बाबा, आजकल रिवाज चल रहा है, घर घर में लोग गाना गा रहे हैं और सीख रहे हैं। बच्चू भाई बिल्कुल सही बात की, पहले वक्तों में जब आते थे ना रिश्ता देखने, तो पूछते थे लड़की को खाना वाना पकाना आता है, लेकिन अब पूछते हैं लड़की को गाना गाना आता है। वो सब तो ठीक है, भला तुमने ये बातें कहाँ से सीख ली? बाबा जानी, जाओ जाकर जो है वो उस्ताद का इंतजाम करो। अब तो ऊपर से आर्डर आ गया है, तो बात तो माननी पड़ेगी। अरे यार, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ रह गए थे? अरे मैं तो कब से आया हुआ हूँ, बाहर एक घटिया आदमी मिल गया था। आपसे भी घटिया जी? हैं, मेरा मतलब है कौन मिल गया था? वो ये 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 ये। अरे बाबा, आप इधर क्या कर रहे हो? ये क्या है बाबा? ये मेरा सर है। कुछ सख्त सख्त चीज है, ये सर इधर रखा हुआ है। क्यों, डरबे में रख दूं? अरे नहीं बाबा, डरबे में नहीं रखो बाबा, इसको अगर आटे के कनस्तर में रख दोगे ना तो थोड़ा पक भी जाएगा। हाँ, वैसे ऐसा लगता है कि आपने अपना सर गन्ने की मशीन में दे दिया था। हाँ बाबा, अगर इनके कान ना हो ना तो बिल्कुल गौरी मिसाइल लगते हैं। अगर इनके कान ना होते ना तो ऐसा लगता जैसे सुराई उल्टी पड़ी हुई है। अरे बाबा, अगर कान ना होते ना तो बिल्कुल गधे लगते। वैसे एक बात बताऊं, गधे के भी कान होते हैं। वो दिख रहा है? हाँ, है? मेरा मतलब ये था कि गधे के सर पे सिंग नहीं होते ना। बस यार, अब बहुत हो गई, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे बाबा, कहाँ जा रहे हैं, फेशियल नहीं करेंगे? अबे जब इतनी बेइज्जती करोगे तो कौन रुकेगा? मुझे लगता है आप माइंड कर गए, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। अच्छा चलो, तो फिर काम शुरू करें। हाँ बाबा, एक मिनट बाबा, एक मिनट रुको बाबा। ये बाबा, ये कपड़ा डालो बाबा, आंखों पे लाइट पड़ रहा है बाबा बहुत। बस अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है, बहुत हो गई है ये, अब मैं जा रहा हूँ। और मैं, मुझे लग रहा है कि आप वाकई माइंड कर रहे हैं। अबे ओ माइंड के, समझ ही नहीं रहे तुम। अरे बाबा, अरे चलो इधर से। अरे बाबा, कपड़ा तो देते जाओ। नहीं दे रहा, क्या करेगा तू, चल ले जा रहा हूँ, ये ले ये ले ये ले ये ले, चल। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। अरे बाबा सीमा, क्या हो गया, लगता है किसी का इंतजार कर रही हो। हाँ, तुमसे तो कोई काम होगा नहीं, इसलिए मैंने खुद एक उस्ताद को फोन कर दिया, वही आ रहे हैं, उनके इंतजार में खड़ी हूँ। उस्ताद नवाब। कौन उस्ताद बाबा? अरे बहुत बड़े उस्ताद हैं, ये खतरनाक गाना गाते हैं। अरे बाबा, क्या आप मुंह से आग निकालते हैं, खतरनाक है। ये नहीं पता मुझे। अच्छा बाबा, आ गया बेटा,
अरे बाबा हाथ हो गया और कितना आएगा भाई, अभी हम आगे चाइना तक जाएंगे, आए हैं तेरे घर पे तो कुछ लेके जाएंगे, आए हैं तेरे घर पे तो कुछ दिकड़ दा। अरे बाबा खबरदार, हमारे घर में किसी चीज को हाथ लगाया, चोर है क्या? सब चीजें गिन के रखी हमने, बिजली भरी है मेरे अंगे अंगे में, दागिड़ दा। ओ हो, आप हैं कौन और क्या हरकतें और क्या हमारे घर में घुसा रहे हैं? जिसका सवाल ना हो उसका जवाब कहते हैं, और सीख में लगा हुआ कबाब कहते हैं, जो पूरा ना हो उसे ख्वाब कहते हैं, और इस नाचीज को दुनिया वाले नवाब कहते हैं, दागिड़ दा। इसका मतलब है आप वो नवाब उस्ताद नवाब हैं? जी हाँ, तबले पे पैदा हुआ, बाजे पे बड़ा हुआ, और सितार की वजह से अपने पैरों पे खड़ा हुआ उस्ताद नवाबुद्दीन पटियाला वाला, दागिड़ दा। लेकिन एक बात ही समझ में आई, अभी तो आपको फोन किया था, इतनी जल्दी कैसे आ गया? यही बात हमारे अब्बा जान भी कहते थे। अरे बाबा, आपके अब्बा भी थे क्या? हम क्या लॉटरी में निकले, अब्बा थे तो हम आए ना। बाबा आप मेरी बीवी को गाना सिखा देंगे? क्यों नहीं, हमने गूंगे को गाना सिखा दिया, बहरे को तबला सुना दिया, तो आपकी बीवी किस खेत की मूली है? दागिड़ दा। बाबा खबरदार, मेरी बीवी को मूली कहा तो फिर गाजर होगी। ओहो, अपनी ये सब्जी की दुकान लपेटे और अंदर चले और मुझे गाना सिखाना शुरू करें, चले। पहले हमें कुछ खिलाए, फिर घंटा बनवाए, फिर गाए दागिड़ दा। ठीक है बाबा, चलो अंदर करते हैं, सब करते हैं, जो भी है करते हैं। आए हैं तेरे घर से तो कुछ लेके, चल मेरा बच्चा आ जा। उस्ताद जी, किन चक्करों में लगाया हुआ है आपने? वाह वाह वाह, बड़ा सुरीला खाना बनाया है, किसने बनाया? मैंने बनाया। तब आपने जिंदगी नहीं बनाई, है रहते खाना बना लिया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, वाह वाह, क्या आवाज है आपकी, आप तो मुझे खानदानी मिरासी लग रही है, दागिड़ दा। अरे पापा, हम मिरासी नहीं तिरासी हैं, अदा बचू चुरासी, जानी पिचासी और मेरी भाजाई डायरेक्ट नवासी। अरे बाबा जरीना, ये बहुत बड़े उस्ताद हैं। अरे बाबा, उस्ताद तो बाप जैसा होता है, आज से ये मेरा बाप है। क्या बात कर रही हो, मैं तो आपसे छोटा हूँ। हाँ हाँ, नन्ना बन जा, तुझे फीडर पिलाता हूँ, सिलवटे देख अपनी तू है, थ्री पिन के मुंह वाला। क्या बदतमीजी है, मैं यहाँ गाना सिखाने आया हूँ, मैं बेइज्जती कर रहे हैं हम लोग। अरे बाबा, तो फिर शुरू करो ना। क्या शुरू करूँ, आपने शुरू करने से पहले खत्म कर दिया, दागिड़ दा। क्यों क्या, इतनी बड़ी जुगत मार दी, दागिड़ दा। अरे बाबा, इससे पहले कि जानी तुमको मारे, बाबा शुरू करो। क्या शुरू करूं, दागिड़ दा। अरे बाबा, वही जो तुम्हें आता है। भाई हम गवैये हैं, हमारे पेट में कुछ जाता है तो बाहर अलग से ना सुर बाहर आते हैं, दागिड़ दा। ये भी खाया तो है भाई, अभी तो चखा है, पेट में कुछ डालो, दागिड़ दा। अरे बाबा जानी, ऐसा करो तेल गरम करके लेकर आओ और इसके पेट में डाल दो। क्या करिए, हमारा गुर्दा फ्राई हो जाएगा, खटाखट बन जाएगा, क्या कर रहे हैं आप ये? अरे बाबा, आप गाना शुरू करें। भाई कुछ लाओगे तो खाऊंगा ना, दागिड़ दा। अरे बाबा, हम खाने की नहीं गाने की बात कर रहे हैं। अब गाना तो हमारे घर की सौगात है, आप ये बताइए कि रात में खाने में क्या बना रही है, दागिड़ दा। अरे बाबा, किसको बुला लिया सीमा, किसको बुला लिया? अरे बाबा, अदा नाराज हो गए, चला गया। बोलो सा, सुर में आओ, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये सब नहीं बोल सकती मैं। अच्छा फिर ये बोलो, सा नी धा पा मा गा रे गा मा। ये भी नहीं बोल सकती, ये सब है क्या उस्ताद जी? देखिए, ये सात सुरों के उल्टे पुल्टे हैं, दागिड़ दा। ओहो, अगर मुझे उल्टा पुल्टा ही सीखना होता तो मैं आपको क्यों बुलाती, आप उस्ताद हैं, सीधा सिखाइए। अरे बाबा, क्या शोर मचाया हुआ है, मुंह बंद करके गाना नहीं सिखा सकते क्या? अरे भाई, मुंह बंद के गूंगे को ही सिखा सकते हैं, दागिड़ दा। अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ आवाज ना आए। बच्चू, आप उसको छोड़े, उस्ताद जी आप शुरू करें। क्या बात है? कोई बात नहीं भाई। अरे आप ही ने तो बुलाया। मैंने कब बुलाया भाई, दागिड़ दा। आप नहीं कह रहे थे आ आ आ, मैं आ गया। अब भाई, मैं जो अलार्म लगा रहा था, दागिड़ दा। सॉरी। इसको भी छोड़े, आप उस्ताद जी शुरू करें। काम करते हैं, गाना गाएं क्या? हाँ, गाने में बड़ा मजा आएगा, गाना गाएं। जिंदगी की राह
हमें टकरा गया कोई ओ जिंदगी की राह में। अब उस्ताजी मैं अब मैं गाऊं, मेरी बारी। नहीं नहीं, ये तो हमने आपके लिए गाया था। क्या मतलब है आपका, क्या बकवास कर रहे हैं आप उस्ताद? मैंने आपको बुलाया था, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इसको क्या हो गया? धागे गिरदाओ, धागे गिरदाओ, धागे गिरदाओ। दरवाजा खोलो भाई, ये क्या नहुसत फैलाई हुई है मोहल्ले में? और भाई तुम लोग क्यों शोर मचा रहे हो कबालों की तरह? ये क्या लगा रखा है मोहल्ले में? ये शरीफों का मोहल्ला है। अबे मैं कौन सा जुआ चला रहा हूँ? और भाई ये कौन है जो सारा दिन गांव आ पा पा करता रहता है? मेरे अब्बा दिल के मरीज है, दो दफा बिस्तर से गिर गए। वो अब कहाँ है? आईसीयू में पड़े। अगर मेरे अब्बा को कुछ हो गया ना तो इसका तबला फाड़ दूंगा जो ये राग गा रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं उस्ताद से कहता हूँ राग मालकोस छेड़ेंगे ना, सब सही हो जाएगा। अबे ये मालकोस क्या है, क्या किसी डॉक्टर का नाम है क्या? अरे नहीं नहीं, ये राग का नाम है। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? हमारे उस्ताद ने, बहुत बड़े उस्ताद है, इनके अब्बा ने एक दफा ऐसा राग गाया 5 दिन तक बारिश होती रही। अच्छा, ये 5 दिन तक गाते रहे? हाँ हाँ, 5 दिन तक गाते रहे। अच्छा तो फिर चुप कैसे हुए? अरे वो तो घर में पानी आ गया, डूब के मर गए, इस तरह चुप हुए। अच्छा, और हाँ ये सब्जी लेने गए थे इसलिए बच गए। अगर मेरे अब्बा को कुछ हुआ ना तो ये भी नहीं बचेंगे, बता रहा हूँ मैं। अरे कुछ नहीं होगा राग मालकोस, कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है, चलो फिर चलो चलो चलो, ओके ओके, जाओ भाई। खट्टा मीठा खट्टा मीठा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा। अरे बाबा क्या है, तुम्हारा गला या ट्रेन का बाजा जो बजता ही जा रहा है, चुप नहीं हो रहा? चुप करो, तुम भी चुप करो। ये बताओ सीमा कहाँ है? सीमा ने गाना छोड़ दिया है। तो शुरू कब किया था? तुमने उसको कुछ कहा है क्या? मैंने उसे सिर्फ गजल सुनाई थी, वो मेरे प्यार का दिया था। वो जो बच्चू है ना उसका मियाँ था। अच्छा, माइयों का दूध उसने पिया था? अरे बाबा उसकी बारात में मैंने 50,000 का सूट लिया था। एक बात बताइए, आप फिक्रे मिलाती हैं, नजर भी मिलाती हैं। क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आप तो सीमा से भी ज्यादा खूबसूरत है, मेरी नजर में आप सिंगर बन सकती है। अच्छा बाबा वो कैसे? तुम्हारी आवाज डाली में बैठी कोयल गुनगुना रही है। क्या? मैं ते मेरा दिल भर जानी, बुलिया दे प्यार कहानी, सावाज आया है तूफान, मौसम हो आवे बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी। गलत। अरे बाबा कोयल तो ये गाती ही नहीं है, कोयल तो आपदा परवीन को गाती है। आपदा परवीन की क्या बात है, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है वो। अरे हाँ बाबा, ये सज्जाद अली, आतिफ असलम, अदिका ज्ञानी, नसीब लाल, इनके बारे में भला कुछ बताओ। इनके बारे में क्या बताऊँ, ये अपने अपने आप में बहुत बड़े फनकार हैं, हमारे मुल्क का सरमाया, फखरे पाकिस्तान है, फखरे मुल्क है हमारे। आप एक काम करें, आप गाना सुनाइए। मैं फिर रगे सोने सजन का सिर लगे, सिर लगे सोने सजन। बस कर दे, वाह वाह वाह, बस कर दे। आप एक काम करें, आप थोड़ा सा रियाज किया करें, आपके घर में मटका है जी, उसमें डूब के मर जाए, मेरा मतलब है उसके अंदर मुंह डाल के रियाज किया करें, अल्लाह करे उसमें आपका मुंह फंस जाए, मगर फिर भी आप उसमें। अरे चुप करो मुंह तई। ये कौन सी जबान बोली, ताकड़ दिर्धा ताकड़ दिर्धा ताकड़ दिर्धा। ये वाइब्रेट में गुजी गुजी हो रही है। हाँ हेलो, हाँ चले बोल, काम हो गया? हाँ हाँ, सब कुछ है इसमें उस्ताद, जेवर वेवर भी है, पैसे भी है, 2-4 मोबाइल भी रख लिए मैंने। मैं यहाँ से निकलने की कर रहा हूँ, तुम भी यहाँ से निकलने की करो। ठीक है तू निकल जा, और सुन लकड़धा लकड़धा लकड़धा, मैं ही करता रहता हूँ, थक गया हूँ, तू भी तो करा कर मनो। अबे भाई निकाल उस उस्ताद को बाहर। मसला क्या है ये बताओ? अबे उसने मालकोस को ऐसा कोसा कि मेरे अब्बा ही निकल गए। ओ मुझे लगता है बेडार नोट लग गया, बहरीवी में मरहम को कोमल कर दो ना तो बेडार नोट लग जाता है। अच्छा पर तुम्हें ये सब किसने बताया? उस्ताद ने, और किसने? उनके अब्बा ने एक दफा ऐसा राग गाया सारे मुर्दे कब्र से बाहर। मुर्दे? तो क्या कहने लगते मुर्दे? क्या कहते, यही कह रहे थे भाई हम यहाँ मरे पड़े, फिर तू आ गया हमें मारने।
यार उस्ताद से बोल कोई ऐसा राग गाएं कि पप्पू के अब्बा उठ जाएं। मैं अभी उस्ताद को जाके बोलता हूँ, ऐसी बैरवी चढ़ेंगे ना इनके अब्बा कब्र से उठ के बाहर आ जाएंगे। अगर इस बार बैरवी ने अपना काम नहीं दिखाया ना तो उसे शराफत से बाहर ले आई हो। देख भाई मेरी तो पूरी कोशिश होगी, लेकिन अगर कुछ हो गया ना तो भाई मेरी बिरयानी अलग कर दीजिए। मैं कौन सी बिरयानी? स्वयं की और किसकी? यकीन कर सुबह से इतना दिल कर रहा है बिरयानी खाने का। यार पप्पू का बाप मर गया, तुमको बिरयानी की पड़ी हुई है यार। अरे भाई आजकल तो हो ही रहा, लोग मैयतों में जा जाके बिरयानियां खा रहे हैं। बास तो मैंने बड़े अजीब देखे, आवाजें लगा लगा के बोटी देना भाई, बोटी देना भाई, इस तरह के भी। अगले के घर में मैयत हो गई है, उसे खिलाओ उसे पिलाओ, ले खुद खा रहे, अजीब लोग है यार। हाँ यार वैसे कह तो ठीक रहा है ये। चलो भाई अब तुम लोग घर जाओ, और मेरे भाई मेरी बिरयानी अलग कर देना यार। अबे इधर मेरा अब्बा मर गया है और तुझे बिरयानी की पड़ी है, तेरा क्या है, तू दूसरा अब्बा कर लेगा। अजीब लालची आदमी। चलो यार चल चल। हाँ चले, हाँ ओके ओके ओके, हाँ तू निकल पहले, मिलते हैं उसी वाले मेले। हाँ ओके चले। बहुत अच्छे, सारा सामान समेट लिया है, अब निकलने का आलाप लगाओ। तिकड़ा तिकड़ा तिकड़ा। अरे किस किस्म के उस्ताद हैं आप, बहुत ही घटिया किस्म के इंसान है। उस्ताद हो के हमसे उस्तादी, वो क्या हुआ क्या? अरे बाबा तुम्हें यहाँ गाना सिखाने आया या आशिकी लड़ाने? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बाबा तो क्या सीमा झूठ बोल रही है? देखे औरत बहुत कम सच बोलती है, औरत की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। अरे बाबा हमें माफ करो और जाओ यहाँ से। हमारी फीस? अरे बाबा फीस तो बच्चों की दी जाती है, आप तो उस्ताद हो। ऐसा ना करें, मेरे साथ मेरा चेला भी होता है ना। वो होता तो था, वो है किधर? बाबा आया तो आपके साथ था, बाद में नजर नहीं आया। वो तो अब तक पहुंच गया होगा धागे गिरधा। अरे बाबा कहाँ पहुंच गया होगा? मेले में। आप भी निकलने की करो उसी मेले में बाबा। वो जैसी आपकी मर्जी, वैसे आप मुझे बहुत याद करोगे, उठते बैठते सोते जागते धागे गिरधा। जा भाई जा। अच्छा जी बच्चू भाई। हाँ बाबा। ये उस्ताद किधर है? अरे बाबा चला गया, उसको भेज दिया यहाँ से और उसकी फीस भी नहीं दी है। बड़ा आया था उस्ताद बनने। कैसा? जबरदस्त। बच्चू बच्चू। अरे बाबा क्या हुआ? बच्चू बच्चू हर जगह ढूंढ लिया, मेरा मोबाइल फोन नहीं मिल रहा। अरे बाबा मेरा तो पर्स भी गया। अरे कॉल के बहाने मुझसे भी मोबाइल ले गया वो। अरे बाबा इसका मतलब है उस्ताद ने किया ये सब। ओ जानी पकड़ो। अब तक तो गुरु मंदिर पहुंच गया होगा, इसका मतलब हम लुट गए। अरे बाबा ये तो हम सबके साथ हो गया। नहीं बाबा ब्लड प्रेशर भी नहीं है। टीबी भी है आपको? अरे नहीं है ना टीबी भी मेरे को। अरे अल्लाह ना करे, पागल हो गए हो क्या? मेरे बाबा साहब को कोई टीबी भी नहीं है। बाबा एक बहुत बड़ा बैग है तुम्हारे हाथ में, उसमें करोड़ों रुपया है बाबा। आराम से, मेरा दिल बहुत कमजोर। जबान लड़ाता है, जवाब देता है, अंदर कर दूंगा बगैर जुर्म के। पहले मंशियात रखूंगा फिर अंदर करूंगा। अरे पापा क्या आप पुलिस में हो? मेरा नाम है इंस्पेक्टर राव, अब तुम अपना तारुफ कराओ। अरे बाबा अंकल अगर ऐसी बात है तो फिर सुनो, ना टावर ना सदर ना गुलशन ना जहर, मैं हूँ बच्चू सीमा का शहर। वाह अंदाज तो बहुत अच्छा है। सारी गामा पादार, आप गाने वाले हैं क्या? तू यहाँ कैसे? मैं तो रहता ही यही हूँ। गामा डाकू खबरदार, जो अगर तुमने भागने की कोशिश भी की। नहीं बाबा नहीं नहीं, मुझे गुर्दे में तकलीफ है, डॉक्टर ने भागने से मना किया है ना मुझे यार। अब क्या है वट सट्टा, जो नौकर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।